नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं की का एक सुंदर सा पाठ देखने वाले हैं। पढ़ो, समझो और लिखो, जो कि बालिका दिन, बालिका दिवस आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सा पाठ है। सबसे पहले मैं छात्रों आपको बता दूं, ये जो पाठ है बालिका दिन, उसका आपको सबसे पहले उचित आरोह अवरोह उच्चारण के साथ ये पाठ का आपको सबसे पहले वाचन करना है छात्रों। उसके बाद आपको ये वाचन करने के बाद आपको जो कि पड़ोस वाली जो परिवार है या सदस्य हो, वो सदस्यों की जानकारी आपको इकट्ठा करनी है। क्या करनी है? जानकारी भी आपको इकट्ठा करनी है। देखिए छात्रों, हिंदी सुलभ भारतीय कक्षा 5वीं का एक सुंदर सा पाठ हम देख रहे थे, जो कि बालिका दिवस, बालिका दिन। और यही बालिका दिन में तो हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं का एक सुंदर सा पाठ देख रहे थे, बालिका दिवस, जो कि सबसे पहले मैं बालिका दिवस का सबसे पहले पाठ का परिचय मैं करवाता हूँ छात्रों। देखिए, महाराष्ट्र में कन्या शिक्षण के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने बहुत ही काम किया था, यह इसके बारे में मैं बाद में और भी बताऊंगा आपको, जो कि प्रतिवर्ष 3 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है छात्रों। क्या? किसका? सावित्रीबाई फुले जी का प्रतिवर्ष 3 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और वही जन्मदिन बालिका दिन के रूप में बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो बालिका दिन है, इस पाठ, ये जो पाठ आज हम देख रहे थे, वो पाठ में भी उसी के बारे में आपको बताया गया है छात्रों, तो देखिए, ये जो सावित्रीबाई फुले है, ये भारत की प्रथम शिक्षिका और महान समाज सुधारक मानी जाती है छात्रों। हम सबसे पहले सावित्रीबाई फुले जी का जन्म देखेंगे छात्रों। 3 जनवरी 1831 उनका जन्म हुआ है, जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है छात्रों। ठीक है, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले, इनका जो कि मैं थोड़ा सा उनका परिचय करवा देता हूँ। 3 जनवरी 1831 उनका जन्म है छात्रों। 10 मार्च 1997 ये वहाँ पर उनका मृत्यु हो चुका है। भारत की ये प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती है और समाज सुधारक भी एवं मराठी कवियत्री भी मानी जाती है छात्रों। कौन? सावित्रीबाई फुले जी। और उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। वे प्रथम महिला शिक्षिका थी। कौन? सावित्रीबाई फुले जी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की गई है छात्रों। तो देखिए, ये था सावित्रीबाई फुले जी का, जो कि मैंने सबसे पहले उनका परिचय करवा दिया है छात्रों। तो देखिए, आप कभी पुणे जाओ तो वहाँ पर उनका एक चौक भी है, सावित्रीबाई फुले चौक, जो कि पुणे में है। उसके बाद फुले वहाँ पर दोनों के भी, जो कि पत्नी और उनके पति, उनका वहाँ पर जो कि चौक भी और उनका पुतला भी वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो देखिए, आज हम प्रारंभ करते हैं बालिका दिन, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए छात्रों, एक वहाँ पर बड़े यहाँ पर चर्चा की गई है, दुर्वा है, सृष्टि है, प्राची है, चाचा जी है, जिशान भी है, मंत्र भी है। तो ये सारी की सारी जो बातचीत यहाँ पर हो रही है, आपको तो पता ही है, आप कभी पाठशाला जाते हो तो पाठशाला जाने के बाद, जैसे कि प्रजासत्ताक दिन हो या और भी कुछ कार्यक्रम हो, तो आप एक दिन पहले उन चर्चा करते हो आज ऐसा है। जैसे कि आपको पता है, आपका जो कि ध्वजारोहण हो, तो उस दिन आप बड़े बन ठन कर आते हो, जैसे कि लड़कियाँ हो या लड़के हो, नए नए कपड़े हो, शूज़ हो, सॉक्स हो, जो कि सज धज कर, आप एक परिभाषा में कहने का मतलब कि आप सज धज कराते हो। और देखिए, उसी प्रकार यहाँ पर भी बालिका दिन पर यहाँ पर चर्चा हुई है, जो कि बालिका दिन कब मनाया जाता है, तो
सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्म है वह जन्मदिन पर बालिका दिन मनाया जाता है। तो देखिए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं बालिका दिन। देखिए सब बच्चे दुर्वा के घर पर खेलने के लिए एकत्रित हुए, कहाँ पर? सारे के सारे बच्चे यानी सारे के सारे ये दोस्त कंपनी कहाँ पर? दुर्वा के घर पर खेलने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए, सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठा हुए। आप जैसे कि छुट्टी का दिन भी हो सकता है तो सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठा हुए। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी है। देखिए दुर्वा के घर पर कौन कौन है? चाची जी और उन दुर्वा के बड़े भैया वहाँ पर है। तो देखिए वहाँ पर किस प्रकार की चर्चा होती है, सारे के सारे इकट्ठा है दोस्त, और इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर चर्चा किस प्रकार की होती है। सबसे पहले दुर्वा सारे के सारे अपने दोस्तों को क्या बता रही है? सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। किसने कहा? दुर्वा ने कहा। दुर्वा ने क्या कहा सृष्टि से कि आज आप तो बहुत ही बन ठन कर यानी सज धज कर आई हो। बन ठन कर इसका अर्थ क्या है छात्रों? तो बन ठन कर यानी सज धज कर आना। तो वहाँ पर सृष्टि आज बड़ी ही बन सज धज कर आई है, तो ऐसा दुर्वा ने सृष्टि से कहा। तब सृष्टि क्या कहती है देखिए, सृष्टि ने कहा आज 3 जनवरी बालिका दिन है। क्या कहा उसने सृष्टि ने दुर्वा से क्या कहा? पहले दुर्वा ने उसे कहा कि आप आज बड़ी सज धज कर आई हो। तब सृष्टि ने दुर्वा से कहा कि आज क्या है? तो आज 3 जनवरी जो कि बालिका दिन है ना, ऐसा सृष्टि ने कहा। तब प्राची क्या कहती, अरे हाँ कल बहन जी ने बताया था कि सावित्री बाई फुले का जन्मदिन बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है। देखिए संभाषण यहाँ पर किस प्रकार का हो रहा है। जब ध्रुवा ने सृष्टि से कहा आज बहुत ही सज धज कर आई हो, तब सृष्टि ने कहा हाँ आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी को क्या होता है छात्रों? तो 3 जनवरी है सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, और वही जन्मदिन के अवसर पर बालिका दिन मनाया जाता है। तभी प्राची ने यही कहा, अरे हाँ कल बहन जी यानी कौन? जो कि टीचर। बहन जी ने क्या ने बताया, क्या बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन है वह बालिका दिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा किसने कहा? प्राची ने। किसे कहा? सृष्टि और दुर्वा से कहा। तभी वहाँ चाची भी है और बड़े भैया भी है। किसके? दुर्वा के। तब चाची जी क्या कहती है? सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। चाची जी क्या कह रही है? प्राची सृष्टि दुर्वा से क्या कह रही है? सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की गई थी। देखिए चाची जी ने बताया किसे? प्राची सृष्टि दुर्वा से क्या बताया कि सावित्रीबाई फुले ये जो प्रथम शिक्षिका मानी जाती है, कहाँ की? महाराष्ट्र राज्य की ये प्रथम शिक्षिका मानी जाती है सावित्रीबाई फुले। और उनके जो पति है महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ उन्होंने मिलकर उन्होंने क्या किया पता है? तो पुणे शहर में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू करने का काम भी सावित्रीबाई फुले जी ने किए हैं, जो कि अपने पति के साथ, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले उनके पति जी का नाम है। तो देखिए छात्रों ऐसा चाची जी ने प्राची सृष्टि और दुर्वा से कहा। तभी जिशान क्या कहता है देखिए, जिशान क्या कहता है? आजकल तो लगभग सभी लड़कियाँ पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे है। किसने कहा? जिशान। चाची जी, प्राची, सृष्टि, ध्रुवा वहाँ पर सारे के सारे मौजूद हैं। तब उसने कहा आजकल की जो लगभग जो सभी की सभी लड़कियाँ है वो तो पाठशाला जाती है। ऐसा है कोई छात्र कि कोई लड़कियाँ पाठशाला नहीं जाती? तो सारे के सारे लड़कियाँ आज पाठशाला जाती है। देखिए पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल है, अन्य क्षेत्रों में भी खूब है। जैसे कि आपको पता है जो कि आप एसटी महामंडल पकड़िए, ऑफिस जो कि शासकीय कार्यालय पकड़िए, उसके बाद एरोप्लेन में पकड़िए, उसके अलावा रेलवे में, जो हर क्षेत्र में जो कि महिला है वो महिलाएं आगे है। ऐसा जिशान ने चाची जी प्राची सृष्टि और ध्रुवा से वहाँ पर बातचीत करते हुए जो संवाद वहाँ पर हो रहा है, तब जिशान ने वहाँ पर कहा। तब मंत्र क्या कहता है देखिए, हाँ हाँ आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। देखिए जिशान ने कहा जो कि जो लड़कियां हैं आजकल सभी की सभी अन्य क्षेत्रों में भी आगे है,
उसने बताया, तब मंत्री ने क्या कहा, हाँ किस में आगे हैं, समाज सेवा, समाज सेवा करने में भी अव्वल है, उसके बाद शिक्षा हो, उसके बाद विज्ञान जो कि साइंटिस्ट भी आप उसमें कर सकते, उसके बाद संगीत, आपको तो पता ही है जो आप सुंदर सुंदर गाने सुनते हो जो कि वहाँ पर गाने वाली महिलाएं होती है, उसके बाद प्रशासन जो कि आपको पता है बड़े बड़े अवसर पर जो महिलाएं अधिकारी है आज भी मौजूद, उसके बाद शोध कार्य हो, खेलकूद हो, जैसे कि आपको स्टेडियम पर जो कि तरह तरह के जो खेल है वह खेलों में भी लड़कियाँ हैं, तो हर क्षेत्र में जो लड़कियाँ ही आगे है, ऐसा मंत्र ने वहाँ पर सारे के सारे दुर्वा हो, सृष्टि हो, प्राची हो, चाची जी हो, जिशान हो, उनसे वह कह रहा है। तभी सृष्टि क्या कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। देखिए मेरी माँ मुझे क्या बताती है हमेशा, कि जो शिक्षा हमें क्या बनाती है, स्वावलंबी बनाती है, जैसे कि हमें किस प्रकार जीना है, कैसे, जो कि हमें किस प्रकार, जो कि आपको पता है स्वावलंबी, जैसे कि आपको पता है हमें खुद ही जीने का एक नया नया तरीका कौन सिखाती है, तो ये शिक्षा सिखाती है, ऐसा सृष्टि ने सारे के सारे अपने दोस्तों से कहा। तभी वहाँ पर दुर्वा के बड़े भाई भी वहाँ पर थे, तो दुर्वा के बड़े भाई क्या कहने लगे वहाँ पर, कहा जाता है कि एक लड़की शिक्षित होता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, किसने कहा, बड़े भैया ने, किसके, दुर्वा के बड़े भैया ने क्या कहा, समझो ऐसा सोचिए आपके घर में, घर पर जो लड़की जब समझो शिक्षित हो यानी पढ़ी हुई हो तो सारा का सारा परिवार क्या होता है, शिक्षित होता है यानी पढ़ा लिखा होता है, ऐसा दुर्वा के बड़े भैया ने कहा। तभी प्राची क्या कहने लगी वहाँ पर, देखिए हाँ हाँ इसलिए हम सबको खूब मन लगा कर पढ़ना चाहिए, प्राची ने कहा, इसीलिए हमें सारी की सारी लड़कियां हो या लड़के हो सबको मन लगाकर आपको आगे चलकर पढ़ना हो, तभी सभी खूब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, देखिए खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर सारे के सारे वहाँ पर संभाषण करते हुए कह रहे थे। तो देखिए आज हमने क्या देखा छात्रों, तो आज हमने सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर बालिका दिन ये सुंदर सा पाठ देखा, उनका जन्म देखा 3 जनवरी 1831 को, मृत्यु भी देखा 10 मार्च 1897। तो देखिए ये सुंदर सा एक संभाषण यहाँ पर दिया गया है छात्रों, ये सारा का सारा संभाषण को आपको पढ़ना है, पहले ही मैंने बताया आपको ये उसके जो उच्चारण है वह आरोह अवरोह के उच्चारण के साथ ये पाठ का वाचन आपको करना है, और भी आपको कहा है कि जो परिवार जो कि आपके पड़ोस वाले जो परिवार है उनके सदस्यों की आपको जानकारी भी इकट्ठा करनी है छात्रों। तो छात्रों आज हम यहीं पर रुकेंगे, थैंक यू।